हमारा प्रमुख सुब्रत रॉय नहीं रहे, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका निधन हुआ। कभी देश की ख्यात शख्सों में एक रहे सुब्रत रॉय को अर्श से फर्श पर लाने का काम इंदौर के एक निवेशक ने किया था। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। कुछ साल पहले तक सुब्रत रॉय चर्चित शख्सियत थे, बड़ी बड़ी टाउनशिप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और एयरलाइंस के मालिक थे, महंगी गाड़ियों का काफिला साथ चलता था, लेकिन इंदौर के एक निवेशक की चिट्ठी ने उन्हें अर्श से फर्श पर ला दिया। 4 जनवरी 2010 की को इंदौर के रोशन लाल ने नेशनल हाउसिंग बैंक को हिंदी में चिट्ठी लिखी थी। रोशन लाल ने खुद को इंदौर का निवासी और सीए बताया। हालांकि ना तो कभी रोशन लाल मीडिया के सामने आया और ना ही उन तक मीडिया पहुंच सका। रोशन लाल का दावा था कि उन्होंने सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड खरीदे हैं, नियमों का उल्लंघन कर बॉन्ड जारी किए। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने यह बॉन्ड जारी किया। इनकी जाँच कराने की मांग की गयी, हालांकि बाद में रोशन लाल का कुछ पता नहीं चला। सहारा ग्रुप के वकीलों ने रोशन लाल के पते पर पत्र भेजे, लेकिन वह भी बेरंग लौट आए। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि रोशन लाल के नाम से किसी कॉर्पोरेट ग्रुप ने ही शिकायत की थी। रोशन लाल की कथित चिट्ठी को नेशनल हाउसिंग बैंक ने सेबी को भेजा। इस तरह के मामलों की जांच सिर्फ सेबी ही कर सकता था। सेबी को इसके एक महीने बाद अहमदाबाद के एक एडवोकेसी ग्रुप प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्ट प्रोटेक्शन ने एक चिट्ठी भेजी। इसके बाद सेबी की जांच शुरू हुई और एक एक परत खुलने लगी। सेबी ने 24 नवंबर 2010 को सहारा ग्रुप की गतिविधियों पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां से 15% वार्षिक ब्याज दर के साथ निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश आया। रोशन लाल की चिट्ठी से शुरू हुई जांच के बाद सहारा ग्रुप की कारगुजारियां सामने आने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में फैसला सुनाया कि सहारा ग्रुप की कंपनियों ने सेबी के नियमों का उल्लंघन किया। सहारा की कंपनियां अपने निवेशकों को उनका निवेश भी नहीं लौटा सकी, इस वजह से सुब्रत रॉय को जेल भी जाना पड़ा। सहारा प्रमुख 2 साल जेल में रहे, 2017 में पैरोल पर बाहर आए। सहारा का कहना था कि निवेशकों को पैसा लौटाना चाहती है। सरकार की ओर से संसद में बताया गया कि सरकार सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 232,85,000 निवेशकों से 49,400.87 करोड़ रुपए और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बताते चले आपको यह पैसा लौटाना था। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।